हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बायनिश क्लासेस फ्रेंड्स हम लोग जोलोजी का फर्स्ट यूनिट इंटेगोमेंट्री सिस्टम कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू करते हैं इंटेगोमेंट्री सिस्टम इसमें हम लोग इंटेगोमेंट्री सिस्टम जो है फ़िश का कर चुके हैं उसके बाद अब आज हम करेंगे इंटेगोमेंट ऑफ टेटरापोड कैरेटनाइजेशन इज मेजर फीचर एमंग टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स एक्सटेंसिव कैरेटिनाइजेशन प्रोड्यूस इज अ प्रोमिनंट आउटर कॉर्नीफाइड लेर कैरेटिनाइजेशन जब होती है तो उस वो उससे क्या होता है जो आउटर कॉर्निफाइड लेयर जो है वो प्रोड्यूस होती है इस लेयर को हम स्टेटम कॉर्नियम बोलते हैं और ये क्या करती है जो मैकेनिकल एब्रेशनस होती है किसी भी तरह की इंजरी होती है मैकेनिकल उस उसको जो है उससे बचाती है लिपिड्स आर ऑफन एडेड ड्यूरिंग प्रोसेस जो लिपिड्स है कैराटिनाइजेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग uh, जो क्या होता है लिपिड जो है उसमें बनते हैं एडिड होते हैं कॉर्निफाइड लेयर अलॉन्ग दीज लिपिड्स इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ टेट्रापॉड स्किन ये जो कॉर्निफाइड लेयर है इससे क्या होता है जो टेट्रापॉड की जो स्किन uh, है उसमें जो है रेजिस्टेंस जो लिपिड्स जो है वो हेल्प करते हैं उसकी बॉडी को रेजिस्ट करने में जो आउटर uh, एटमॉस्फियर है उस उसमें उसके प्रति जो है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड uh, करते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड आर मोर कॉमन इन टेट्रापोड स्किन दैन फिशेस जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है वो टेट्रापोड्स में जो है ज़्यादा कॉमन होती है फिशज के अकॉर्डिंग इन फिशेज म्यूकस क्यूटिकल एंड सिक्रीशन ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड ये जो फिशेस हैं उनमें क्या था जो म्यूकस क्यूटिकल है और जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती थी एट और नियर द सर्फेस ऑफ स्किन बट टेट्रापॉड में द मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है वो कहाँ पे होती है वो जो डर्मिस है उसके अंदर ही रह जाती हैं एंड रीच सरफेस थ्रू कॉमन डक्स और कॉमन डक्स के थ्रू जो है वो सरफेस के सरफेस तक पहुँचती है कॉर्निफाइड लेयर को फाड़ के कॉर्निफाइड लेयर को फाड़ के डर्मिस से एपिडर्मिस तक पहुँचती है थ्रू कॉमन डक्स एम्फीबियंस एम्फीबियंस में क्या था कि जो मेटामोरफोज फ्रॉम एन एक्वेटिक एंड टू टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबियंस क्या होते हैं जो एक्टिक uh, uh, से टेरेस्ट्रियल uh, में जो उसकी जो है मेटाफोज करते हैं मतलब उनका जो लिविंग स्टेटस है वो कब uh, पहले एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में भी चेंज हो सकती है फाइलोजेनेटिकली एम्फीबियंस आर ट्रांजिशनल बिटवीन एक्टिक एंड टेरेस्ट्रियल मतलब एम्फीबियंस वो है जो एक्टिक जो एरिया है वहाँ पे भी रह सकते हैं वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एरिया जो है लैंड पे भी रह सकते हैं तो उनके बीच वो एक ट्रांज़िशन है एक्टिक और टेरेस्ट्रियल में एपिडर्मिस कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल लेयर्स जो एपिडर्मिस है इनकी एम्फीबियंस की वो क्या होती है कंपोज ऑफ सेवरल सेल सेल लेयर्स से बनती है एम्फीबियंस आर फर्स्ट हैविंग डेड सेल्स डेड सेल्स लेयर जो एम्फीबियंस हैं इनके पास क्या होती है डेड सेल लेयर होती है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं दिस लेयर इज़ बेस्ट डेवलप्ड टू स्पेंड ऑन लैंड तो ये लेयर जो है वो हेल्प करती है उनको लैंड में रहने के लिए क्योंकि पहले वो जैसे वो पानी में रहते हैं तो उसके बाद जब वो लैंड पे आते हैं तो वहाँ पे भी उनको अडेप्ट करने में ये हेल्प करती है स्ट्रेटम कॉर्नियम एम्फीबियंस का जो डरमिस है दैट इज कम थि वो थिन्न होती है कंपोज ऑफ टू लेयर्स दो लेयर से बनी होती है जो आउटर लेयर होती है वो लूज स्टेटम स्पॉन्जियो स्पॉन्जियोसम होती है और जो इनर लेयर है वो होती वो ज़्यादा कंपैक्ट होती है जिसको हम स्ट्रेटम कंपैक्टम बोलते हैं इसमें क्या क्या होता है ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड ग्लैंड लोकेटेड इन स्ट्रेटम कंपैक्टम कंपैक्टम में होती है ब्लड सेल्स नर्व्स और जो ग्लैंड है इन एम्फीबियंस मोस्टली मॉडर्न स्किन एक्ट एज रेस्पिरेटरी सर्फिस जो मॉडर्न modern, मॉडर्नली जो हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो उनकी स्किन जो है वो हेल्प करती है रेस्पिरीशन में रेस्पिरीशन में हेल्प करती है मतलब उनमें जो गैसेज एक्सचेंज होती है विद कैपलरी इन लोअर एपीडरमिस एंड डीपर डरमिस जिसमें लोअर एपीडरमिस और डीपर डरमिस की हेल्प से जो है गैसेज एक्सचेंज होती है सम सेलेमेंडर लैक लंग्स एंड डिपेंडस एंटायरली ऑन क्यूटेनियस रेस्परिएशन टू मीट मेटाबॉलिक नीड्स जो सेलेमेंडर्स है कुछ उनमें क्या होता है लंग्स जो है वो एबसेंट होते हैं लंग्स प्रजेंट नहीं होते जिसकी वजह से उनमें क्यूटेनियस रेस्परेशन क्यूटेनियस मतलब जो स्किन के थ्रू जो रेस्परेशन होती है वो होती है टू मीट देयर मेटाबॉलिक नीड्स मोस्ट प्रिमिटिव एम्फीबियन हैड स्केल्स लाइक फिशज बहुत सारे जो जो प्रीमिटिव एम्फीवियंस हैं उनमें जो है फिशेस की तरह जो स्केल्स होते हैं जिससे ये ये गेस लगाया जा सकता है कि जो फ्रोग्स है वो फिशेस से एर, एराइज़ हुए हैं फ्रॉम विच दे एरोज कि वो वहाँ से एराइज हो रहे हैं इन सेलमेंडर्स द स्किन ऑफ द एक्वेटिक लार्वे इंक्लूड्स अ डर्मिस ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिशू फाइब्रस कनेक्टिव टिशू जो है वो डर्मिस का हो डर्मिस में होता है इन टेरेस्ट्रियल एडल्ट डर्मिस इज सिमिलरली कंपोज ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टेरेस्ट्रियल में भी सिलेमेंडर्स में भी जो है जो डर्मिस है उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है और जो टेरेस्ट्रियल एडल्ट है उस, उस उनकी जो डर्मिस लेयर है उसमें भी जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन न्यू न्यूपट्रियल पैड्स मे फॉर्म आ, ऑन डिजिट्स ऑफ लिम्स ऑफ मेल सेलिमेंडर जो मेल सेलेमेंडर है ब्रीडिंग टाइम क्या होता है वहाँ पे जो है न्यूपट्रियल पैड जो है वो प्रेजेंट होते हैं मेल सेलेमेंडर में या फिर फ्रॉग में न्यूप्रियल पैड्स आर कैलियज हेल्प्स द मेल होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग मीटिंग जो न्यूप्रियल पैड्स है ये क्या होते हैं ये कैल्यूसिज मतलब एक हार्ड सी जो लेयर होती है स्किन की जो हेल्प करती है जब मेटिंग uh, के टाइम मेल जो है वो फीमेल को उसको मेटिंग uh, uh, के टाइम उसको होल्ड करने में हेल्प करती है स्किन ऑफ फ्रॉग्स एंड सेलमेंडर हैव टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो स्किन है फ्रॉग्स की और सेलमेंडर की इनके पास जो है दो तरह के ग्लैंड होते हैं एक तो म्यूकस ग्लैंड होते हैं और दूसरा पॉइजन ग्लैंड होते हैं क्रोमेटोफोर्स में फाउंड इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो लेयर है उस पर क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं बट मोस्ट रिसाइड इन डर्मिस। बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है वो डर्मिस में ही होते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग फीचर है एक इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है वो क्या है पॉइजन एरोज एंड पॉइजन फ्रोग्स द स्किन ऑफ मोस्ट एम्फीबियंस कंटेन्स ग्लैंड प्रोडक्ट्स दैट आर डिस्टेस्टफुल और टॉक्सिक टू प्रीडेटर्स कुछ जो एम्फीबियंस हैं उनकी जो स्किन है वहाँ से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज होते हैं जिनका टेस्ट जो है वो भी uh, टे, मतलब टेस्टलेस होते हैं मतलब तो वो क्या करते हैं टू प्रीडेटर्स प्रीडेटर्स के लिए मतलब वो टेस्टफुल नहीं होते डिस्टेस्टफुल होते हैं इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ न्यू वर्ल्ड लेवर ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स द पॉइजन एरो फ्रोग जो ट्रॉपिकल रिजन है न्यू वर्ल्ड का वहाँ पे क्या होते हैं जो ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स प्रेजेंट है जिसको हम पॉइजन एरो फ्रोग्स कहते हैं क्यों कहते हैं इनको पॉइजन एरो फ्रोक्स ये जो फ्रोगस की स्किन है इस पर जो टॉक्सिक जो रिलीज होता है उसकी वजह से नेटिव पीपल ऑफ़ रिजन जो, जो वहाँ के जो पीपल है दे गैदर दीज फ्रोग्स होल्ड ओवर स्टिक्स ऑफ ओवर फायर टू स्टिमुलेट रिलीज ऑफ these सिक्रीशंस एंड collect ऑन द एरो टिप्स तो जो इनकी स्किन से जो टॉक्सिक रिलीज होता है तो उसको वो क्या करते हैं एरोज पे जो है कलेक्ट कर लेते हैं तो ये जो एरोज है वो किसी भी प्रिड प्रे को या इवन कि वो ह्यूमन बींग तक को मारने में जो हेल्प करती है ये इतना पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो इनकी बॉडी से रिलीज होता है जो अप टू ह्यूमन बींग्स को भी किल कर सकता है ये देखिए ये डायग्राम ये स्किन सेक्शन है एक दिखाया गया इसमें यहाँ पे ये इतना एरिया एपिडर्मिस और ये यहाँ तक का डरमिस उसके बाद ये मसल्स इसमें जो है एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये वाली लेयर उसके बाद यहाँ पे है ट्रांजिशनल लेयर ये है यहाँ पे स्ट्रेटम जर्मिनेशन यहाँ पे जो है क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है और ये जो है ग्लैंड जो है प्रेजेंट है अब इसमें देखिए ये है एपिडर्मिस और ये डर्मिस अब इसमें जो है क्या क्या प्रेजेंट है स्ट्रेटम कॉर्नियम ट्रांजिशनल लेयर और यहाँ पे स्ट्रेटम बेसल प्रेजेंट है ये जो आपको डार्क सा एरिया दिखाई दे रहा है ये ये क्रोमेटोफोर और यहाँ पे जो है म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है जहाँ जहाँ से म्यूकस जो है वो रिलीज होता है और ये जो है बड़ी सी ग्लैंड दिखाई दे रही है हमें ये पॉइजन ग्लैंड है यहाँ से जो पॉइजन पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है ये है लेडिक सेल ये इतना एरिया एपिडर्मिस और ये डर्मिस का एरिया है जो पॉइजन ग्लैंड है ये डर्मिस से होके एपिडर्मिस में ओपन होती है नेक्स्ट अब हमारे पास है रेप्टाइल्स द स्किन ऑफ रेप्टाइल्स रिफ्लेक्ट देयर ग्रेटर कमिटमेंट टू टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस जो रेप्टाइल्स की स्किन है क्या है दे मतलब वो ज़्यादा करके क्या है वो टेरेस्ट्रियल एरिया में ही रहते हैं तो एपिडर्मिस हैज़ वेल डेवलप्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम जो एपिडर्मिस है उसके पास जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम जो उस उस लेयर होती है कैरेटनाइजेशन इज मोर एक्सटेंसिव विद वेरी फ्यू स्किन ग्लैंड एडेप्टेशन टू प्रवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर कैरेटिनाइजेशन की वजह से जो जो ग्लैंड प्रेजेंट है स्किन पे वो क्या करती है वो मतलब वो अडेप्टशन है एक तरह की जो कि जो मॉइस्चर का लॉस होता है रे, रेप्टाइल्स की स्किन पे उसको रोकने में हेल्प करती है वो मतलब अडेप्टशन के बाद जो है जो लेज़र जो रेप्टाइल्स हैं उन्होंने जैसे अपने आप को अडेप्ट किया है तो अडेप्टेसन के रिजल्ट से ये जो ग्लैंड है वो फॉर्म हुई है हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट बट डिफरेंट फ्राम स्केल्स ऑफ फिशेज जो हॉर्नी स्केल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो फिशज में जो स्केल्स हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं द रेप्टिलियन स्केल यूजअली लैक द बोनी स्ट्रक्चर फ्रॉम द डर्मिस डर्मिस में जो है ये बॉनी स्ट्रक्चर जो है इसमें नहीं होता इंस्टेड इट इज फोल्ड इन स्टेटम कॉर्नियम हैंज एपीडर्मल स्केल ये स्टेटम कॉर्नियम में होता है इसीलिए इसको जो है एपीडर्मल स्केल भी बोलते हैं इफ डर्मल स्केल इज लार्ज एंड प्लेट लाइक अगर डर्मल स्केल जो है वो लार्ज है और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी दिखाई दे रही है तो वो क्या होते हैं उसको हम स्क्यूट बोलते हैं एपीडर्मल स्केल मॉडिफाइड इन जो एपिडर्मल स्केल है वो उसमें जो है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें क्रेस्ट होती है स्पाइन होते हैं और हॉर्न लाइक -like जो है वो प्रेसेस हो प्रोसेस जो होॉर्न लाइक प्रोसेस जो प्रेजेंट होते हैं डर्मल बोन्स प्रेजेंट इन मैनी रेप्टाइल्स डर्मल बोन्स सपोर्ट द एपिडर्मिस ये जो डर्मल बोन्स है ये एपिडर्मिस को सपोर्ट करती है जिसको हम ऑस्टियोडर्म्स बोलते हैं ऑस्टियोडर्म्स फाउंड इन क्रोकोडिलियंस एंड सम लेजर्स क्रोकोडाइल्स में जो और लेजर्स में जो है ऑस्टियोडर्म जो प्रेजेंट होते हैं रेप्टीलियन डरम स्किन इज कम्पोज ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है ये इन टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स स्लफिंग ऑफ स्किन इज मोडेस्ट इन कंपेरिजन टू बर्ड्स एंड मैमल्स जो टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स है इनमें क्या होता है स्लफिंग होती है स्किन की स्किन स्लफिंग मतलब इनकी जो स्किन की जो आउटर कवरिंग है ये उसको शेड ऑफ कर देते हैं उतार देते हैं बट इन लिजर्ड्स एंड स्नेक्स शेडिंग ऑफ कॉनीफाइड लेयर जो लिजर्ड्स और स्नैक्स हैं उनमें जो है कॉनीफाइड लेयर है वो शेड ऑफ़ होती है जिसको हम मोल्टिंग भी, भी बोलते हैं और एक्डाइसिस भी बोलते हैं रिमूवल ऑफ सेक्शन ऑफ एपिडर्मिस ये जो है एपिडर्मिस का सेक्शन होता है जो रिमूव करते हैं स्नेक्स और लेजर्ड्स मैनी लेजर्ड्स शो रोज ऑफ फेमरल ग्लैंड इनमें फेमरल ग्लैंड होती हैं क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल हैव सेंट ग्लैंड और जो क्रोकोडाइल है और टर्टल्स है इनमें सेंट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जिनसे जो डिफरेंट टाइप्स की जो खुशबू जैसे ये प्रोड्यूस करते हैं मोस्ट इंटेगोमेंट ग्लैंड ऑफ रेप्टाइल्स प्लेज रोल इन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर बहुत सारी जो इंटेगोमेंट्री ग्लैंड है वो रिप्रोडक्ट रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है ये है एपिडर्मल स्केल ये इसमें हिंजे बने हुए हैं ये है स्किन सेक्शन जिसमें देखिए जो एक्डाइसिज हमने जो डिस्कस किया है उसका जो पोर्शन एक लिया हुआ है तो ये है इसमें कॉम्पैक्ट कैराटिन यहाँ पे लूज कैराटिन ये इतना जो एरिया है ये एपिडर्मिस का है आउटर एपिडर्मिस उसके बाद इनर एपिडर्मिस और उसके बाद ये है जो बेसल सेल लेयर है इसकी इन्वेडिंग वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे जो है ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वाइट ब्लड सेल्स है ये जो लेयर है ये स्ट्रेटम इंटरमीडियम है ये आउटर एपिडर्मल लेयर है ये स्ट्रेटम इंटरमीडिएट और ये है इनर एपिडर्मल लेयर जो है और उसके बाद ये बेसल सेल लेयर है नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं बर्ड्स बर्ड्स फेदर्स रेफर टू नथिंग मोर देन रेप्टीलियन स्केल्स जो बर्ड्स के फेदर्स हैं और जो रेप्टाइल्स की स्केल है ये दोनों एक ही तरह के हैं दिस सिंप्लीफाई द होमोलॉजी बट नॉट मच तो क्या है ये जो होमोलॉजी होमोलॉजी क्या होती है कि जो आपस में जो इन ये मैच करती है इनकी तो वो जो है ये सिंप्लीफाई करता है कि मतलब वर्ड्स और जो रेप्टाइल्स है ये आपस में इनका कनेक्शन है और पर कुछ हद तक करता है डर्मिस ऑफ बर्ड स्किन स्पेशली नियर द फैदर फॉलिकल इज रिचली स्प्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड सेंसरी नर्व एंडिंग डर्मिश जो बर्ड्स की है उस जो बर्ड्स की हैं वो उसमें क्या है स्पेशली नियर द फैदर फॉलिकल्स फॉलिकल्स होते हैं फैदर के फैदर फॉलिकल्स इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और सेंसरी नर्व्स जो है वो प्रजेंट होती है उसमें ड्यूरिंग ब्रूडिंग डर्मिस् इन ब्रेस्ट ऑफ सम बर्ड्स बिकम वास्कुलराइजेशन ब्रूडिंग के टाइम क्या होता है जो बर्ड्स uh, की जो जो ब्रेस्ट है कुछ बर्ड्स की वो वास्कुलराइज हो जाती है फॉर्मिंग ब्रूड पैच जो क्या बनाती है ब्रूड पैच बनाती है जिसमें क्या होता है जो ब्लड जो है वो वाम uh, ब्लड जो है उसमें मूव करता है और कम इन क्लोज एसोसिएशन विद इनक्यूबेशन एग्स मतलब ब्रूडिंग के टाइम ब्रूडिंग मतलब जैसे जो एग्स है जब उनका इंक्यूबेशन होती है एग्स जो है उनमें से जब यंग वन जो है वो बाहर आता है उस टाइम पे जो यंग वन को बाहर लाने के लिए जो इनक्यूबेशन ऑफ एग्स होती है उसमें जो है जो ब्रूडिंग जो है उसमें हेल्प करता है ये वहाँ पे जो है जो ब्रूड पैट जो बनता है इन एपिडर्मिस कंप्राइज स्ट्रेटम बेसल एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम एपिडर्मिस में अब क्या क्या है स्ट्रेटम बेसल प्रेजेंट है और स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रेजेंट है बिटवीन देम इस ट्रांजिशनल लेयर तो उनके बीच में जो है वो ट्रांजिशनल लेयर जो है सेल्स की वो प्रेजेंट है दिस ट्रांजिशनल लेयर गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू कैरेटिनाइज सरफेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है फैदर की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कैसे ये इतना एरिया जो है ये दिखाया गया यहाँ पे एपिडर्मिस का और ये डर्मिस का एरिया है जो फैदर है वो क्या है डर्मिस से जो है निकलता है डर्मिस में डर्मिस से स्टार्ट होके वो एपिडर्मिस में जो है बाहर की तरफ जो फैदर जो निकल जाता है यह है इसमें कैरेट केरा, जो कैरेटिन प्रोड्यूसिंग जोन है यहाँ पे ये जो शेड सा एरिया है जर्मिनल मैट्रिक्स डर्मल पैपिला प्रेजेंट है और ये जो है फैदर शीथ जो है प्रेजेंट है ये ये शीथ इसकी ये देखिए स्किन सेक्शन ये जो एरिया है ये सारा एपिडर्मिस और ये डर्मिस इसमें क्या क्या है इसमें जो है मेलानिन ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है जो कलर देते हैं स्किन को एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है ये जो एपिडर्मिस की ये कहाँ कहाँ पे सा, ये सारे एपिडर्मिस में प्रेजेंट है और ये एपिडर्मिस की जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम है सबसे ऊपर वाली लेयर और ये है स्ट्रेटम बेसल और इनके बीच में जो ये लेयर है ये ट्रांजिशनल लेयर है उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है और क्रोमेटोफोर जो है वो डर्मिस में भी प्रेजेंट है बर्ड स्किन इज डिवाइड ऑफ ग्लैंड एक्सेप्ट द यूरोपाइजियल ग्लैंड जो बर्ड की स्किन है उसमें बाकी सारी की ग्लैंड जो है वो नहीं प्रेजेंट होती सिर्फ एक यूरोपाइजियल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे होती है दैट लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टेल टेल का जो बेस है वहाँ पे प्रेजेंट होती है इट्स क्रीड्स लिपिड एंड प्रोटीन प्रोडक्ट्स अदर ग्लैंड जो है इसमें इन इनमें जो बर्ड्स है इनमें जो है सॉल्ट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है तो ये सॉल्ट ग्लैंड क्या करती है जैसे जो मेराइन बर्ड्स है उनमें क्या होता है कि कभी कभी जब वो एक्सेसिव जो है सी फूड खा लेते हैं या वाटर जो है जो सी वाटर है जो क्योंकि वो साल्टी होता है जो एक्सेसिव जो सी वाटर अगर उनके अंदर चला जाए तो उनको जो है जो सॉल्ट जो है एक्सेस अमाउंट में उनको जो, जो बॉडी के बाहर जो है वो रिलीज कर देती है फैदर्स डिस्टिंग्विश बर्ड्स फ्रॉम ऑल अदर वर्ड टेबलेट्स जो फैदर्स है वो उसी से पता चलता है मेनली जो फेदर्स हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि ये बर्ड है या जो रेप्टाइल है या फिर क्योंकि बर्ड्स जो है उनमें फैदर्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरली एलैबोरेट नॉन वास्कुलर होते हैं ये और नॉन नर्वस इनमें नर्व्स नहीं होती प्रोडक्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड कैराटिनाइज सिस्टम एपिडर्मिस में ही ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस का ही प्रोडक्ट है और कैराटिनाइजेशन के थ्रू ये बनते हैं देयर आर डिस्टिंक ट्रैक्ट ऑन बॉडी सर्फेस जिसको हम टेरिली बोलते हैं फैदर्स डेवलप फ्रॉम फैदर फॉलिकल्स जो फैदर्स है वो फैदर फॉलिकल से बनते हैं एपिडर्मिस में दैट डिप इन टू अंडरइंग डरमिस जो और जो डर्मिस से स्टार्ट होकर एपिडर्मिस तक जाते हैं अटैचस टू बॉडी थ्रू प्रॉक्सिमल कैलमस प्रॉक्सिमल कैलमस के थ्रू जो है वो बॉडी के साथ अटैच मतलब फैदर जो है वो बॉडी के साथ जैसे अटैच होते हैं तो उस पार्ट को हम प्रक्सीमल कैलमस बोलते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ फैदर्स जो है प्रेजेंट है तो उनमें होते हैं एक कॉन्टोर फैदर्स उनमें क्या होता है क्लोज टू स्किन ये जो फैदर्स है ये स्किन के क्लोज होते हैं और ये एज अ थर्मल इंसुलेशन मतलब उनको जो है जो उनका बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं फाइल ये क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर डिस्प्ले ये जो फैदर्स होते हैं जैसे किंग फिशर हो गया जो डिस्प्ले के लिए जिनमें कलरफुल जो फैदर्स होते हैं वो होते हैं ये और उसके बाद फ्लाइट फैदर्स कॉन्स्टिट्यूट मेजर एरोडाइनमिक स्पेस मतलब जो उड़ने में हेल्प करते हैं दीज आर लॉन्ग रैकिज एंड प्रोमिनेंट वेन इनके पास जो है लॉन्ग रैकिस होते हैं और प्रोमिनेंट वेन जो होती है इनकी स्ट्रक्चर में प्राइमरी फंक्शन जो फैदर्स का वो लोकोमोशन होता है मतलब मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए रिसीव सेंसरी स्टीमूलाई सेंसरी स्टीमूलाई जो है वो रिसीव करते हैं और कैरी कलर फॉर डिस्प्ले डिस्प्ले के लिए जैसे कलर्स जो है वो शो करते हैं क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये जो है एबसेंट होते हैं बर्ड्स में मेलनोसाइट्स ये जो पिगमेंट सेल्स है ये क्या करते हैं जैसे मैमल्स की बॉडी में भी जो है मेलनिन uh, की uh, जो मेलानिन पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं कलर्स के लिए वैसे ही जो बर्ड्स में भी मेलेनोसाइट्स जो है वो पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी को कलर देने के लिए ये देखिए बर्ड्स का ये वेंट्रल व्यू दिखाया गया है और ये डॉर्सल व्यू है जो हम uh, टेरिले की बात कर रहे थे जो डिस्टिंगटिव ट्रैक्ट है वो ये प्रेजेंट है बर्ड्स की बॉडी में और ये यूरोपाइजियल ग्लैंड ये दिखाई गई है यहाँ पे एट द बेस ऑफ टेल जो टेल के बेस के पास प्रेजेंट होती है ये देखिए ये डिफरेंट टाइप के जो फैदर्स हैं इसमें देखो ये है कैलमस कैलमस क्या था जो बॉडी के साथ अटैच करता है और ये है रैकेस रिवेन और बाब उसके बाद ये कलरफुल फैदर है जो कलर दिखाते हैं ये है फाइलोप्यूम ये सारे फैदर्स की टाइप्स है अलग अलग तरह के फैदर्स ये देखिए इनकी शेप भी सबकी अलग अलग है कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फैदर्स जो है वो टॉक्सिन के साथ कोटेड होते हैं जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं वर्ड हैज फैदर एंड स्किन लाइटली कोटेड विद टॉक्सिन टू डिफेंड फ्रॉम प्रिडेटर क्या करते हैं ये जो बर्ड्स के जो फैदर है उनके ऊपर जो कभी कभी जो टॉक्सिन की एक कोट होता है वो हेल्प करता है उनको प्रिडेटर से बचाने के लिए ये जो है ब्राइटली कलर्ड होते हैं जिनको हम हुड पैथोली पिथुई बोलते हैं लिव्स इन न्यू ग्यूनिया ये मेनली जो है न्यू गूनिया में मिलते हैं ये जो इनका पॉइजन है दैट वर्क्स बाय रिपेलिंग स्नेक्स एंड हॉक्स हॉक्स और स्नेक्स को रिपेल करने में हेल्प करता है नेक्स्ट हमारे पास आता है मैमल्स लाइक अदर वर्टेब्रेट्स में जो मेमल्स हैं उनकी स्किन की भी दो लेयर्स होती है मेन जो है उनमें एपिडर्मिस और डर्मिस जॉइन थ्रू बेसमेंट मेमब्रेन बिनीत डर्मिस और डर्मिस के बाद जो है एक और लेयर होती है जिसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं दीज आर कंपोज ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू और ये जो लेयर है वो हाइपोडर्मिस सबसे पहले एपीडर्मिस फेडरमिस फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस जो होती है वो दैट इज़ कंपोज ऑफ फैट और कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट अब इसकी है एपीडरमिस जो है लेयर एपिडर्मिस में भी लोकली स्पेशलाइज एज हेयर नेल्स और ग्लैंड जो एपिडर्मिस है उस पर मेनली क्या होते हैं हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नेल्स होते हैं और ग्लैंड होते हैं दीज एर इट मेड अप ऑफ स्टेटिफाइड स्कोमस एपिथीलियल टिशू एंड नो ब्लड वेसल्स जो एपीडर्मिस हैं मेमल्स की उसमें ब्लड वैसेल जो है वो नहीं होती और एपीथीलियल टिशू जो है स्कोमस एपिथीलियल टिशू से बनती है वो दीज नॉर्मल थिन स्किन जो स्किन है वो नॉर्मल थिन होती हैज़ फोर टू फाइव लेयर्स और इसकी जो है एपीथीलियल सेल्स की फ़ोर टू फाइव लेयर्स जो होती है इसमें फ्राम डीप टू सुपरफिशियल तो डीप से अब कैसे हम जो डीप लेयर है उससे जो ऊपर तक की लेयर्स जैसे इसमें कौन कौन सी लेयर्स आती है स्ट्रेटम बेसल उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम देन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड देन स्ट्रेटम कॉर्नियम एपिथीलियल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर कैराटीनाइट्स एक्सेप्ट सेल्स ऑफ स्ट्रेटम बेसल जिनको हम कैराटीनोसाइट्स भी बोलते हैं सेल्स विद इन बेसल डिवाइड माइटोटिकली इनमें जो डिविजन होती है सेल्स में वो माइटोटिक डिविजन होती है एज दे आर डिसप्लेसड टू हायर लेवल्स एंड दे पास थ्रू कैराटिनाइज स्टेजिज डिफरेंट टाइप की जो कैराटिनाइज स्टेजिज हैं उनको पास आउट होकर फिर ये लेयर जो है वो फॉर्म होती है ये देखिए एपीडर्मिस की जो लेयर्स है स्ट्रेटमकॉर्नीयम ये इतनी सी ल्यूसिडम स्ट्रेटम ल्यूसिडम स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसल और उसके बाद में स्टार्ट होती है यहाँ से जो है हेयर फॉलिकल जो है वो बाहर निकलता है कैराटीनाइजेशन इज मोस्ट डिस्टिंक्ट इन रिजन ऑफ थिकेस्ट स्किन एज इन सोल्स ऑफ फीट एंड पाम जो फीट के जो सोल्स है और पाम्स जो है हैंड्स की हमारी उन वो जो रीजन होता है वहाँ पे जो है कैरेटनाइजेशन ज़्यादा है जो है डिस्टिंक्ट होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रोटेक्ट्स एपिडर्मिस फ्रॉम माइक्रोब्स एब्रेशन एंड वाटर लॉस स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो बाहर की जो माइक्रोब्स का एक्शन है या एब्रेशन है और वाटर लॉस है उससे प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को सम अदर सेल्स रिकोगनाइज जो है कुछ कुछ अदर सेल्स भी इसमें प्रेजेंट है जिनका जो फंक्शन है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है जैसे लेंग्रह सेल्स इनमें क्या ये क्या है डिस्पर्स थ्रू आउट अपर पार्ट ऑफ द स्टेटम स्पाइनोसम स्टेटम स्पाइनोसम जो है उसके जो अपर मोस्ट पार्ट में जो है ये प्रेजेंट होता है दिस प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द सेल मीडिएटेड एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम में जो सेल मीडिएटेड एक्शन जो होता है उसमें जो हेल्प करते हैं ये सेल्स उसके बाद मर्कल सेल्स है और फ्राम न्यूरल क्रेस न्यूरल क्रेस से जो है ये औरजिनेट होते हैं दीज आर अबंड हैंड एंड फीट हैंड और फीट में जो है ये ज्यादा होते हैं रिस्पोंड टू स्टिमुलेशन एज टच जो जैसे टच का जो स्टिमूलाई जो ब्रेन तक पहुंचाने में ये जो सेल्स हैं मर्कल सेल्स हेल्प करते हैं नेक्स्ट मेलेनोसाइड्स ये जो सेल्स होते हैं दीज आर अराइज फ्राम एम्ब्रियनिक न्यूरल क्रेस से दी स्क्रीट ग्रेन्यूल्स ऑफ पिगमेंट मेलेिन मिलेन पिगमेंट जो है जो जो ग्रेन्यूल्स उसके सिक्रीट होते हैं उनको हम मेलनोसाइट्स जो है सेल्स बोलते हैं ये जो है कलर देते हैं स्किन को और जो हमारे हेयर्स हैं उनको कलर देते हैं स्किन कलर जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ येलो सेटमकॉर्नियम और रेड अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स और उसके साथ डार्क पिगमेंट ग्रेन्यूल्स बाय मेलेनोसाइट्स जो स्किन कलर है कैसे कैसे बनता है येलो जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम उसके बाद रेड अंडरलाइंग ब्लड सेल्स और डार्क पिगमेंट ग्रेन्यूल्स जो है ये एक साथ मिलके जो स्किन को कलर देते हैं नेक्स्ट इज डर्मिस मेमेलियन डर्मिस जो है वो डबल लेयर्ड होती है आउटर पेपिलरी लेयर में जब अटैचड होती हैं तो उनका जो कनेक्शन है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं दीज कंटेन्स ब्लड वेसल्स रिसेप्टर्स एडिपोसाइड्स एंड फेगोसाइड्स जो एपिडर्मस में प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स रिसेप्टर्स एंडिपोसाइड्स और फेगोसाइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं डर्मिस में डर्मिस प्रोड्यूसिस डर्मल बोन्स दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू स्कल एंड पेक्टोरल गर्डल एंड रियली डर्मल स्केल्स जो पेक्टोरल गर्डल है और स्कल है जो हमारा उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जो डर्मल बोन्स है हेयर फॉलिकल्स एंड ग्लैंड प्रोजेक्ट इनवर्ड फ्राम एपीडर्मिस जो हेयर फॉलिकल्स है वो अंदर की साइड भी जो है एपीडरमिस के घुसे होते हैं डरमिस इट इज कंपोज ऑफ इरेगुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू ये जो है इलास्टिक फाइबर होते हैं जो स्ट्रेच करने में हेल्प करते हैं हमारी स्किन को जो हमारी स्किन है उसको इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी लोस्ट एंड स्किन सैग्स विद एज जो एज के साथ जो हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो लोस्ट होने लगती है धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगती है नेक्स्ट लेयर है हमारे पास हाइपोडर्मिस बिलो डर्मिस देयर इज़ हाइपोडर्मिस इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ एडिपोज टिश्यू और स्केल्टल मसल्स दो तरह के जो इसमें प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू होता है और दूसरा स्केल्टल मसल जो है प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं इट स्टोर्स फैट विच गिव्स कुशन फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स ये एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट को स्टोर करता है जो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कुशन देता है मतलब उनको जो बाहरी इंजरी है उससे बचाने में हेल्प करता है जो स्केल्टल मसल्स है दैट हेल्प्स टू मूव स्किन टू सम एक्सटेंट वो जो स्केल्टल मसल्स है ये हेल्प करती स्किन को कुछ हद तक मूव करने में मेमेलियल स्किन का जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वो है हेयर सिलेंडर कैराटेनियस एंड कैराटेस फिलामेंट जो होती है ये हेयर जो है सिलेंडर होता है और जो के, इसको जो है कैराटिनस फिलामेंट मतलब कैराटिनाइजेशन का ही एक प्रोडक्ट है बेस ऑफ हेयर जो है उसको हम रूट बोलते हैं दीज आर रिमेनिंग लेंथ कॉन्स्टिट्यूट शाफ्ट और जो इसकी रिमेनिंग लेंथ होती है जो बाहर की जो लेंथ होती है वो एक शाफ्ट जैसे जो है स्ट्रक्चर देती है आउटर सर्फेस ऑफ शाफ्ट फॉर्म्स क्यूटिकल जो शाफ्ट की जो आउटर सर्फेस होती है उस पर जो है क्यूटिकल की लेयर होती है बीनीथ दिस उसके बाद क्या होता है हेयर कॉर्टेक्स होता है और उसके जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है वो मेडुला होता है शाफ्ट प्रोजेक्ट्स एबव सरफेस एंड रूटेड इन द डर्मिस शाफ्ट जो है वो सरफेस के बाहर होती है और जो उसकी रूट होती है वो डर्मिस के अंदर होती है अ स्मॉल टाफ्ट ऑन द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल दैट इज कॉल्ड हेयर पैपिला हेयर पैपिला प्रेजेंट होते हैं उसमें मेल्नोसाइड सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं पिगमेंट ग्रैन्यूल्स जो पिगमेंट देते हैं पिगमेंट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कलर का देने में हेल्प करते हैं पाइली मसल्स होते हैं उसमें दीज आर थिन बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स इन द डर्मिस अटैच टू द फॉलिकल। फॉलिकल के साथ जो है अटैच होते हैं और डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं हेयर स्टैंड इरेक्ट इन रिस्पॉन्स टू फियर कोल्ड एंड एंगर इनकी वजह से जो अरेक्टर पाइली मसल्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है जैसे हम जो ये जो हमारी स्किन है वो रिस्पोंड करती है फियर में कोल्ड में और एंगर में जैसे कभी हमने देखा होगा कि हम जैसे हमें ठंड लगती है ज़्यादा ठंड में क्या होता है जो हमारे बॉडी के जो हेयर है वो एकदम से स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं तो उसमें उस वो किसकी वजह से होता है अरेक्टर पायली मसल्स की वजह से ये होता है नेक्स्ट ग्लैंड ग्लैंड कौन कौन सी प्रेजेंट है दो तरह की मेन ग्लैंड प्रेजेंट होती है एक होती है सेबेशियस ग्लैंड और दूसरी स्वेट ग्लैंड डीज आर ड्राइव फ्रॉम द सेंट एंड मेमरी ग्लैंड जो सेंट और मेमरी ग्लैंड है उन्हीं से ये आगे डराइव होती है सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड यहाँ देखिए ये यह हेयर जो है वो डर्मिस एरिया है ये डर्मिस एरिया में से जो हेयर जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जो है डर्मल पैपीला प्रेजेंट है जो हमने स्वेट ग्लैंड की है और सबेशियस ग्लैंड यहाँ पे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है और इस एरिया में स्बेशियस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है ये जो ये हेयर ऊपर जा रहा है वो ये जो रिमेनिंग हेयर की जो लेंथ है वो क्या करती है एक शाफ्ट बनाती है ये है शाफ्ट ये हेयर का पार्ट यहाँ से लिया ये शाफ्ट इसमें ये आउटर लेयर जो होती है वो क्यूटिकल की होती है उसके बाद इनर वाली जो है वो कॉर्टेक्स देन यहाँ पे मेडुला सेंटर में उसके बाद जो है सबसे अंदर वाली लेयर वो मेडुला होती है और ये जो डॉट्स लाइक योर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ये है मेलेनिन मेलेनिन सेल्स जो होते हैं जो पिगमेंट जो है मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट है जो कलर का, का काम करते हैं कलर देने का, का काम करते हैं हेयर को सबेशियस ग्लैंड स्बेशियस ग्लैंड क्या है ये दीज आर प्रजेंट ऑल ओवर द बॉडी एंड प्रोड्यूज एन ऑयली सिक्रीशन जिसको हम सीबम बोलते हैं ऑयल जैसी सिक्रीशन जो है ये सिक्रीट करते हैं दीज ये जो सीबम है दैट इज रिलीज ऑन स्किन मोस्टली इंटू हेयर फॉलिकल्स टू हेल्प एंड कंडीशन वाटर प्रूफ फर जो फर है उसको वाटर प्रूफ बनाने में हेल्प करते हैं सबेशियस ग्लैंड जो होती है दीज आर एबसेंट फ्रॉम पाम्स जो पाम्स होते हैं हैंड्स के और जो फीट के जो सॉयल होते हैं सोल्स होते हैं उनमें से ये एबसेंट होती है सबेशियस ग्लैंड बट प्रजेंट विदाउट एसोसिएशन हेयर एट एंगल ऑफ माउथ माउथ एंगल पे प्रजेंट होते हैं ऑन द पेनिस नियर वेजाइना एंड नेक्स टू द मेमरी ग्लैंड वहाँ पर ये सबेशियस ग्लैंड जो है वो प्रजेंट होती है उसके बाद है वैक्स ग्लैंड वैक्स ग्लैंड जो है आउटर ईयर कैनाल पे ये प्रेजेंट होती है इट्सक्रीट्स ईयर वैक्स और म्यो, जो मीबोमियन ग्लैंड जो है आई की आई लिड स्क्रीट्स ऑयली जो है फिल्म ये भी जो म, जो म्यो, मीबोमियन ग्लैंड जो है वो एक ऑयली फिल्म जो है स्क्रीट करती है आई बॉल के ऊपर और ये जो दोनों ग्लैंड है वैक्स ग्लैंड और मई बो, बोमियन ग्लैंड मी बोमियन जो ग्लैंड है और जो वैक्स ग्लैंड है ये दोनों जो है ये मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड ही है जो स्वेट नेक्स्ट है हमारे पास स्वेट ग्लैंड स्वेट ग्लैंड जो है दीज प्रोड्यूस वाटरी प्रोडक्ट कॉल्ड पर्स्पीरेशन और स्वेट जिसको हम स्वेट बोलते हैं स्वेट ग्लैंड से जो है जिसके हम पसीना बोलते हैं वो जो रिलीज होता है स्वेट ग्लैंड से ये दो तरह की ग्लैंड होती, होती है एक होती है एक्राइन और दूसरी एपोक्राइन जो एक्राइन ग्लैंड है दीज प्रोड्यूस थिन स्वेट इनमें से जो स्वेट प्रोड्यूस होता है वो थिन होता है फाउंड ओवरऑल बॉडी ये सारी बॉडी पे प्रेजेंट होती है मोर अबंडेंट ऑन पाम्स एंड फीट जो हमारे फीट है पाम है और फोर हेड है वहाँ पे ये मेनली प्रेजेंट होती है नॉट एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स हेयर फॉलिकल्स के साथ ये नहीं होती प्रोड्यूस वाटर विद सम सॉल्ट एंटीबॉडीज एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स जो है और सम सम्रेसिज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये प्रोड्यूस करती है और ये जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है और एपोक्राइन ग्लैंड जो है ये विस्कस स्वेट देती है जो एकन है उसमें जो स्वेट फॉर्म होता है वो थिन होता है और एपोक्राइन में जो है वो विस्कस होता है एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स और हेयर फॉलिकल्स के साथ एसोसिएट होती है ये इट्स क्रीड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी ऑर्डर जो कभी कभी बॉडी से जो है वो बैड स्मेल या बैड ऑर्डर सा आता है किसी भी तरह का ऑर्डर आता है उस उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है एपोक्राइन ग्लैंड स्वेट ग्लैंड नॉट फाउंड इन ऑल मैमल्स जो स्वेट गलैंड है वो सारे जो मैमल्स हैं उनमें नहीं होती चिमपेजीज एंड ह्यूमन आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्लैंड इंक्लूडिंग पाम एंड सोल्स जो चिमपीज है और ह्यूमन बींगज है उनमें जो है ग्रेटेस्ट नंबर जो है स्वेट ग्लैंड का वो प्रेजेंट है मेन जो यह कहाँ पे होता है पाम्स एंड सोल्स जो है उसमें इन डकबिल प्लेटिबस स्वेट स्वेट्लैंड आर लिमिटेड टू स्नाउट स्नाउट तक ही वो लिमिटेड होती है इंडियर्स एट द बेस ऑफ टेल एंड इन एलिफेंट स्वेट एंड स्वेशियस ग्लैंड सेंट ग्लैंड फ्राम द स्वेट ग्लैंड दीज प्ले रोल इन सोशल कम्युनिकेशन सिक्रीशंस यूज टू मेक टेरिटरी आइडेंटी ऑफ इंडिविजुअल जो सिक्रीशंस है दैट आर यूज टू मेक टेरिटरी एंड इंडिविजुअल की जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं मेमेरी ग्लैंड जो है दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द स्वेट और फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड मतलब जो मेमेरी ग्लैंड है वो उनमें ये कहा जाता है कि वो या तो स्वेट ग्लैंड से बनी है या फिर सेबेशियस ग्लैंड से मॉडिफाई होके बनी है। और इनका ये जो है ओनली फीमेल्स में ही फंक्शनल होती है मेमेरी ग्लैंड्स दीज़ प्रोड्यूस मिल्क एंड वाटरी मिक्सचर ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स टू नरिश द यंग वन जो यंग वन है उसको उसकी नरिशमेंट के लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए ये जो मे ग्लैंड है उनमें से ये मिल्क प्रोड्यूस होता है और वाटरी मिक्सचर जो फैट्स के वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीनस जो है उसमें जो मिल्क में होते हैं तो वो यंग वन की नरिशमेंट के लिए अच्छे होते हैं रिलीज़ ऑफ़ मिल्क टू सकलिंग इज़ लैक्टेशन जो मिल्क है जो मैं मेरी ग्लैंड से निकलता है बेबी के लिए यंग वन के लिए वो लैक्टेशन उसको हम लैक्टेशन बोलेंगे उस प्रोसेस को जो यंग वन जो है अपनी मदर से मिल्क जो है वो लेगा नरिशमेंट के लिए तो उसको हम लैक्टेशन प्रोसेस बोलते हैं मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस लॉब्यूल्स इसमें लॉब्यूल्स होते हैं दीज आर द क्लस्टर ऑफ सेक्रेटरी एल्वियोली जहाँ से जो है मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है एंड ओपन इन टू सरफेस रेज पेपिला और निप्पल जो रेज्ड पेपिला और निप्पल के थ्रू ये सरफेस तक पहुँचते हैं निप्पल की फॉर्म में जो होते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन है इसके साथ रिलेटेड डिफाइन टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट विद इन एपीडरमिस ऑफ फिशिज फिशिज में कौन से दो सेल्स uh, दो टाइप के होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सर्फेस डेंटिकल प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिकथाइज स्केल्स करेक्टराइज बाय प्रेवलेंस ऑफ थिक एनिमल प्रेजेंट इन बॉनी फिशेज स्किन इज स्पेशाइज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सर्फेस इन विच टेटरापॉड्स इन विचराइल्स ऑस्टिडम्स आर फाउंड द प्रेजेंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर विच डिस्टिंगशिज बर्ड्स फ्राम ऑल अदर वर्टेब्रेट्स फोर सक्सेसिव लेर्स प्रेजेंट इन इंटेगूमेंट ऑफ मैमल्स विच मसल्स अटैक टू हेयर फॉलिकल ऑफ़ ह्यूमन एंड मेक हेयर स्टैंड इरेक्ट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप छोटे छोटे बिल्कुल ये वन वर्ड क्वेश्चन है तो इनको आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम के लिए स्पेशलाइज डेरीवेटिव ऑफ द इंटेगोमेंट अब इंटेगूमेंट जो है उसके उसकी सरफेस से जो क्या क्या जो है जो डेरीवेशनस होती है नेल्स क्लॉज एंड हुब्स नेल्स क्या है दीज आर प्लेट्स ऑफ टाइटली कंपेक्टेड कॉनिफाइड एपिथीलियल सेल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द फिंगर्स एंड टोज नेल्स के बारे में तो हमें सबको पता है कि ये नेल्स कहाँ पर होते हैं हमारी जो फिंगर्स हैं उनके जो है टिप्स पे होते हैं प्रेजेंट ये रेटिनाइजिंग जो है स्किन सिस्टम का प्रोडक्ट है नेल मैट्रिक्स फॉर्म्स न्यू नेल एट द नेल बेस बाय पुशिंग द एग्जिस्टिंग नेल जो नेल जो मैट्रिक्स है मतलब हमारा जो नेल है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो पीछे से इसका जो है जो नया नेल है वो निकलता जाता है और आगे का जो है वो आगे पुश होता रहता है प्रोटेक्ट द टिप्स ऑफ डिजिट्स फ्रॉम इंजरी ये जो नेल जो है वो जो हमारी फिंगर टिप्स होती हैं उनको इंजरी से बचाते हैं स्टेबिलाईज स्किन एट टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज फॉर द सिक्योर फ्रिक्शन ग्रिप ऑन द ऑब्जेक्ट ग्रास्ट ये जो नेल्स है हमारे जो स्किन जो है टिप्स पे होते हैं फिंगर्स की तो वो हेल्प करते हैं हमारे जो हम ऑब्जेक्ट्स जो ग्रास्प करने में उसमें उसका ग्रिप जो है फ्रिक्शन सिक्योर फ्रिक्शन के थ्रू जो है उसको ग्रिप करने में किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी हेल्प करते हैं ओनली प्राइमेट्स हैव नेल्स जो प्राइमेट्स है सिर्फ उनके पास नेल्स होते हैं इन अदर वर्टेबरेट्स कैरेटनाइज क्लॉज एंड हुट जो प्राइमेट्स हैं उनके पास ही नेल्स होंगे बाकी जो वर्टेबरेट्स हैं उनके पास जो है क्लॉज होते हैं या फिर होव्स होते हैं क्लॉज और टेलन आर कर्व्ड सीन इन सम एम्फीबियंस इन मोस्ट बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड मैमल्स क्लॉज जो है ये एम्फीबियंस में भी देखे जाते हैं बर्ड्स में भी रेप्टाइल्स में भी और मैमल्स में भी होूव्स आर लार्ज कैरेटिनाइज प्लेट्स ऑन द टिप्स ऑफ द अंगुलेट डिजिट्स जो होूवज़ है ये क्या होती है लार्ज कैरेटनाइज प्लेट्स होती है जैसे आपने जो बड़े बड़े मैमल्स हैं जैसे काव हो गए उनके जो पैरों पे जो प्लेट्स होती है वो उनको हम होव्स बोलते हैं और जो क्लॉज जो होते हैं वो जैसे रेप्टाइल्स या बर्ड्स हैं उनके जो नेल्स जो होते हैं थोड़े से कर्व होते हैं वो उनको हम क्लॉज बोलते हैं ये देखिए ये नेल है दिखाया हुआ हमें ये मैट्रिक सेल है यहाँ पे और ये जो है नेल प्रेजेंट है और इसमें इधर ये क्लॉ दिखाया हुआ है जैसे कि हमने पढ़ा कि क्लॉ थोड़ा सा कर्व्ड होता है ये देखो यहाँ से कर्व्ड होता है जैसे म, जैसे मान लो मंकी का जो उसका पॉ है उसमें ये क्लॉ जो है दिखाई देता है उनके नेल्स जो होते हैं थोड़े से कर्व्ड होते हैं उसको हम क्लॉ बोलते हैं और ये सब अंगल्स इसका ये इसका अंगल्स और मैट्रिक सेल्स ये है हु्स जिसको हूफ हुफ भी बोलते हैं हम सिंगल जो है इसका हुफ और प्लूरल हुव्स ये जो हम काउज के पैरों में देखते हैं इनको हम हुफ बोलते हैं नेक्स्ट जो स्किन का डेरिवेटिव है हमारे पास वो है हॉर्स एंड एंटलर्स हॉन्ड लेजर्स हैव प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिहाइंड हेड दैट लुक लाइक हॉर्स बट पॉइंटेड एपिडर्मल स्केल्स जो हॉर्न लेजर्ड होती है उनके जो हेड पे हॉर्न लाइक जो है स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है एक्चुअल में वो हॉर्नस नहीं होते वो एपिडर्मल स्केल्स होती है जो ट्रू हॉर्स होते हैं या एंटलर्स होते हैं देट आर प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली वर्ट जिसमें जो है हॉन्स और एंटलर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन टुगेदर विद अंडरलाइंग बोन फॉर्म्स ट्रू हॉर्न्स एंड एंटलर जो स्किन के अंडर जो बोन्स होती है प्रेजेंट वो जो है हॉर्न्स बनाने में हेल्प uh, करती है एज दीज टेक शेप द अंडरलाइंग बोन राइज आप जैसे ये शेप लेते हैं वैसे ही जो अंडरलाइंग बोन जो है वो बाहर आ जाती है इन हॉर्न्स अ टफ कॉनीफाइड शीत फिट ओवर द बोनी कोर इन एंटलर्स ओवरलाइंग स्किन जिस जो वेलवेट टाइप जो है अपर एंटली शेड्स एंड प्रोवाइड वास्कुलर सप्लाई टू ग्रोइंग बोन्स जो एंटलर्स होते हैं वो, उनकी जो ऊपर से जो है उनका सरफेस वो वेलवेट टाइप का होता है और क्या है दीज प्रोवाइड वास्कुलर सप्लाई टू द ग्रोइंग बोन बोन को जो है वास्कुलर सप्लाई देते हैं ट्रू एंटलर अक्कर देंबर्स ऑफ सर्वाइडी फॉर एग्ज़ाम्पल ड जैसे डियर्स में होते हैं एंटलर्स तो वो जो है उनको हम एंटलर्स बोलते हैं जो डियर्स के होते हैं ओनली मेन्स मेल्स हैव एंटलर्स जो मेल्स होते हैं उन्हीं में एंटलर्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर ब्रांच शॉर्टर पॉइंट्स एंड शेड एनुअली और ये जो है एनुअली जो है वो शेड होते हैं मतलब एनुअली ये रिमूव होते हैं फिर नए आते हैं उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल डियर्स वाइट टेल डियर जो वाइट टेल डियर है उसमें ये जो एंटलर प्रेजेंट होते हैं उसमें एंटलर ग्रो एंड लॉस अंडर हारमोनल कंट्रोल और ये जो एंटलर जो उनकी ग्रोथ है या फिर लॉस है इनका वो हारम जो है हॉर्मोनल जो चेंजेज होती हैं उसकी वजह से होता है इन स्प्रिंग इंक्रीजिंग डे लेंथ स्टिमूलेट्स दिच्यूटरी लैंड टू रिलीज हारमोन्स टू स्प्राउट फ्रॉम द साइड्स ऑफ स्कल बोन्स स्प्रिंग में जो है जब जो डे लेंथ है वो स्टिमुलेट करती है जो पिच्यूटरी ग्लैंड है उससे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो जो है उसकी वजह से जो स्कल बोन्स है उसकी साइड से जो है जो हॉर्न्स जो है वो अराइज होते हैं बाई लेट स्प्रिंग एंटलर्स कबर्ड बाई वेलबट एमंग मेमल्स ट्रू हॉर्न्नस फाउंड इन फैमिली बोवाइडी जिसमें कैटल आते हैं शीप आते हैं गॉड्स और बाइसन जैसे आप देखते हैं कि कैटल जो है जैसे काउस होगी या गोड्स होगी उनके जो सींग होते हैं उनके जो हॉन्स होते हैं वो होन्स इन बोध मेल्स एंड फीमेल होन्स जो है वो मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं बट एंटलर जो है वो मेल्स में होते हैं अनलाइक बोवाइड फैमिली एंटीलो सॉरी फैमिली के प्राइडी जो है उसमें जो है हॉर्न्स फॉग्ड इन एडल्ट मेल्स जो है वो एडल्ट मेल्स में होते हैं राइनो हॉर्न्स डज नॉट इंक्लूड अ बोनी कोर जो राइनो हॉर्न्स होते हैं उनमें बोनी कोर नहीं होती दीज फॉर्म्स फ्रॉम कंपैक्टेड कैराटिनस फाइबर्स ये है हॉर्न्स ये इसमें बोनी लेयर है और ये आउटर इसका एंटेगोमेंट का पार्ट है ये इसमें है कैराटीनाइज लेयर है ये जो आउटर लेयर और उसके बाद ये जर्मिनल एपिडर्मल लेयर देन अंदर जो है वो बोनी कोर है ये दिखने में ऐसे दिखते हैं जो हॉन्स है और ये देखिए ये है एंटलर्स ये इनमें बोनी कोर है और ये इनका इंटेगोमेंट है ये जो अंदर की जो ये लेयर दिखाई देती है ये है इसका इंटेगोमेंट और उसके बाद जो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये वेलवेट है एंटलर जो है उनमें ऐसे ब्रांच भी दिखाई देती हैं जैसे आपने डियर में देखा होगा कि ऐसी ब्रांच उसमें देखने को मिलती है उसके जो एंटलर्स होते हैं नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है वो है बेलीन इंटेगोमेंट विद इन माउथ्स ऑफ वेल्स स्पेशली मिस्टी सीट वेल्स जो होती हैं दैट फॉर्म्स प्लेट्स ऑफ बलीन उनमें जो है बलीन देखने में मिलता है दिज एक्ट एज ट्रेनर To extract the krill from water gulped in the distended mouth. क्या होता है कभी कभी जो fishes जो आती है वो जैसे वेल्स होती है वो ज़्यादा जो मटीरियल इनगल्फ कर लेती है वाटर के साथ साथ जो उसका क्रिल जो होता है जो उसका फूड होता है उसको जैसे ये इनगल्फ करती है तो उसको उसमें से जो है वाटर को ये बाहर निकालती है और जो उसका फूड है उसको स्ट्रेन करके उसको छान के जो है उसमें जो हेल्प करती है वो बेलिन हेल्प करती है उसकी इट रेफर्ड एज वेल बोन इसको वेल बोन कहा जाता है लेकिन क्या है बट बेलिन कंटेन्स नो बोन लेकिन बेलिन में कोई बोन जो है वो नहीं होती इट्स सीरीज ऑफ कैरेटिनाइज प्लेट्स ये भी कैरेटीनाइज सिस्टम का ही पार्ट है उसी का प्रोडक्ट है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन द ग्रुप्स ऑफ डर्मल पैपिले एक्सटेंड ओवर लाइंग एपीडरमिस इट फॉर्म्स कॉर्नीफाइड लेयर ओवर दीज पैपिले जो पैपिले है उसके ऊपर जो कॉर्नीफाइड लेयर होती है वो बनाती है कलेक्टिवली पैपिले एंड कवरिंग ऑफ एपिडरमिस जो पैपिले प्रेजेंट है और जो कवरिंग है एपिडर्मिस की जो कवरिंग है ये दोनों आपस में मिल के जो है प्लेट्स बनाते हैं जिसको हम बलींस बोलते हैं ये देखिए इंस्टाग्राम में ये जो है गम बेस उसके साथ जो माइनर प्लेटलेट्स होंगी देन उसके साथ जो है जो ब्लीन प्लेट्स जो प्रेजेंट है नेक्स्ट डेरिवेटिव है स्केल्स स्केल्स हैव मेनी फंक्शंस एपिडर्मल एंड डर्मल स्केल्स आर हार्ड जो एपिडर्मल स्केल्स है और डर्मल स्केल्स है ये हार्ड होती है दीज प्रिवेंट डैमेज टू सॉफ्ट टिश्यूज जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनकी उनकी जो किसी भी तरह का हार्म उनको जो होता है उनका जो मैकेनिकल कोई इंजरी होती है या एब्रेशन होता है सरफेस पे उनसे ये बचाती है सॉफ्ट टिश्यू को डेंसिटी ऑफ स्केल जो है दैट मेक्स देम बैरियर फॉर द पैथोजन किसी भी तरह का जो पैथोजन जो, जो एंटर करता है हमारी बॉडी में उससे भी ये बचाती है हमारी बॉडी को रिटार्ड वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी बॉडी से जो एक्सेसिव वाटर लॉस होता है उसमें उसको भी रोकने में हेल्प करती है इन शार्क्स एंड फिश इंक्रीजेज स्विमिंग एफिशिएंसी शार्क्स होगी या फिश होगी उनमें ये स्विमिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है इन रेप्टाइल्स इट रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ सरफेस हीट सरफेस हीट जो है उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करने में हेल्प करती है नेक्स्ट इज डर्मल आर्मर डर्मल बोन फॉर्म्स आर्मर ऑफ द और स्ट्रैकोडम एंड प्लेकोडम फिश दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डर्मिस और इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट टाइप की जो होती है डर्मल बोन पोर्ट्स स्केल्स ऑफ बॉनी फिश बॉनी फिश में जो डर्मल बोन है वो प्रेजेंट होती है बट ये टेट्रापोर्ट्स में नहीं होती एबसेंट इन स्किन ऑफ बर्ड्स एंड मोस्ट मैमल्स बर्ड्स और मैमल्स की स्किन में भी ये नहीं प्रेजेंट होती सेलेक्टेड डर्मल बोन्स टेक अप रेजिडेंस इन फिश स्कल एंड पेक्टोरल गर्डल जो फिश स्कल है और पेक्टोरल गर्डल है उसमें जो है डर्मल बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती है नेक्स्ट हमारे पास है म्यूकस म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय स्किन सर्व्स एज सेवरल फंक्शंस बहुत सारे फंक्शंस जो है म्यूकस के वो होते हैं इन एक्वेटिक वर्टेब्रेट्स इट इनहिबिट्स एंट्रेंस ऑफ पैथोजन एंड स्लाइट एंटीबैक्टीरियल एक्शन एक्वेटिक वर्टेब्रेट्स में जो है इसका जो म्यूकस है वो हेल्प करता है पैथोजन को रोकने में और स्लाइड एंटीबैक्टीरियल एक्शन जो बैक्टीरियाज को रोकने में भी ये हेल्प करता है इन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस म्यूकस कीप्स इंटेगोमेंट मॉइस्ट एंड गैस एक्सचेंज फंक्शन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में जब वो जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है वो क्या है जब पहले वो पानी में थे उसके बाद जब वो लैंड पे जाते हैं तो उनमें क्या करता है ये Uh, जो उनकी स्किन है उसको मॉइस्ट रखता है उसमें वाटर का जो है लॉस नहीं हो जा होने देता और जो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज प्रोमिनेंट इन एम्फीबियंस टर्टल्स टर्टल्स की अगर हम बात करें दे रिलई ऑन क्यूटेनियस गैस एक्सचेंज तो उनमें क्यूटेनियस गैस एक्सचेंज होती है और जो म्यूकस है तो वो हेल्प करता है जब वो हाइबरनेट करती है मतलब जब आइस कवर जो पोड्स होते हैं उनमें जब आइस जो है वो जब बर्फ जम जाती है पोड्स में तो वो अपने आप को जो है वाटर में समर्ज कर लेती है मतलब वाटर में, के अंदर चली जाती है तो उसमें जो है वो म्यूकस जो है हेल्प करता है सी स्नैक्स जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन उनमें थर्टी परसेंट जो होती है ऑफ देयर ऑक्सीजन अपटेक जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है फिश जो है दैट जो प्लेस यूरोपियन ईल एंड मर्डस्केपर जो है उनमें जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है वो मेटाबॉलिक अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो है उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब अपनी थ्री जो स्किन है उनकी उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं म्यूकस इन्वॉल्व इन एक्वेटिक लोकोमोशन एक्टिक लोकोमोशन में भी म्यूकस जो है वो हेल्प करता है मतलब जो पानी में जो उनको जो फिश है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए म्यूकस जो है वो हेल्प करता है स्मूद सा रफ सरफेस और जो सरफेस रफ होती है उसको जो म्यूकस है उसकी वजह से वो स्मूथ होती है एंड रिड्यूस फ्रिक्शन और फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है जो कि उसको स्विमिंग में हेल्प करती है नेक्स्ट इज कलर कलर रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल केमिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेगोमेंट चेंज इन ब्लड सप्लाई कैन रेडन द स्किन जो ब्लड सप्लाई जब चेंज होती है तो उससे उसके साथ जो स्किन है वो रेड कलर की हो जाती है जैसे ब्लशिंग इन ह्यूमन इसका एग्जाम्पल है बेस ऑफ कलर इन नेचर जो कलर का जो बेस है वो क्या है इज डिफ्रेंशियल स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है जिसको हम टिंडल स्कैटरिंग बोलते हैं फिनोमिना में एक स्काई ब्लू दिस और ये जो टिंडल स्कैटरिंग है उसकी वजह से जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है हमें इन बर्ड्स एयरफील्ड कैविटीज विद इन फैदर बाब्स दैट प्रोड्यूस ब्लू फैदर्स ऑफ किंग फिशर ब्लू जेज एंड ब्लू बर्ड्स जो ब्लू जो जैसे किंग फिशर है, उनके भी जो ब्लू कलर के उसके फैदर्स होते हैं जो उनमें क्या होता है एयर फील्ड कैविटीज होती है फैदर के जो बाब्स है उसके साथ में जो उसको कलर देने में हेल्प करती है जो ब्लैक रेड ब्राउन ऑरेंज कलर्स है वो पिगमेंट्स की वजह से होते हैं मैनी पिगमेंट्स हेल्ड इन स्पेशलाइज डर्मल सेल्स जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं ये जो है क्रोमेटोफोर, ये न्यूरल क्रस्ट से अराइज होते हैं अब क्रोमेटोफोर्स कौन कौन से होते हैं इनमें होते हैं मलहनोफोर्स एरिडोफोर्स और एरिथ्रोफोर्स एंड जेंथोफोर्स मेलनोफोर्स क्या होते हैं दिस कंटेन पिगमेंट्स मिलेन जो मेलनन पिगमेंट है जिससे जो स्किन है उसका कलर जो है डार्क होता है कलर ब्लैक और ब्राउन इन वेसिकल्स मेलनोसोम्स ये वेसिकल्स जो है उनमें प्रेजेंट होते हैं और इनको हम मेलनोसोम्स बोलते हैं ये क्या होते हैं ये कलर देते हैं ब्लैक और ब्राउन कलर देते हैं स्किन को या फिर हेयर को एरिडोस्पोर एरिडोफोर्स क्या होते हैं दिज कंटेन्स लाइट रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टलाइन ग्यूनाइन प्लांट्स क्या है जो इरिडोफोर्स है इसमें क्रिस्टलाइन गुनाइन प्लेट्स जो होती है वो हेल्प करती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने में जिसकी वजह से ये कलर्स जो है प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट इज एंथोफोर्स ये येलो पिगमेंट देते हैं और एरिथ्रोफोर्स ये रेड पिगमेंट देते हैं देन एंडोथर्म्स बर्ड्स एंड मैमल्स में ये होते हैं दीज आर वन क्लास ऑफ पिगमेंट्स जिसको हम मेलेनोसाइट्स भी बोलते हैं जो मेलेनिन है वो जो कर, जो स्किन को कलर देता है सनलाइट इन्फ्लुएंस क्रोमेटोफोर एक्टिविटी सनलाइट भी जो है वो क्रोमेटोफोर की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है कैसे इन्फ्लुएंस करती है कि जब एक अगर ये सनलाइट में एक्सपोज करेंगे हम क्रोमेटोफोर्स को जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सनलाइट में जाएगा तो क्या होगा उसकी जो स्किन में जो ग्रेन्यू पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं जो मलानिन जो होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी जो मिले जैसे मेलनिन सेल्स हैं मेलेनिन की जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाएगा इसका एग्जाम्पल है डार्कर द स्किन इन ह्यूमन ह्यूमन बींग्स में ये देखने को मिलता है जैसे कि हम कभी कभी धूप में जाते हैं तो ज़्यादा एक्सेसिव धूप में जाएंगे तो जो है बॉडी का जो कलर है वो डार्क हो जाता है वो इसकी वजह से होता है क्रोमेटोफोर में जो है वो सनलाइट की में जाके जो है ज़्यादा पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं अब ये क्वेश्चन विच पिगमेंट कार्स कलर इन ह्यूमन बींग्स मिसलीडिंग एज वेल बोन इट कंटेन्स नो बोन वट इज़ इट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो इसके साथ हमारा ये चैप्टर इंटेगोमेंट्री सिस्टम कंप्लीट हुआ और इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें थैंक यू